नमस्कार, मैं हूं मानसी जायसवाल। 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आत्मघाती हमले में हमारे देश के कई जवान शहीद हो गए थे, जिसका जवाब भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दिया, जिसमें जैश के बड़े आतंकी संगठन का लगभग खात्मा हो गया। इन सब के बाद भारत पाक सीमा पर लगातार तनाव जारी रहा, जिसकी चपेट में हमारे देश के फाइटर पायलट अभिनंदन वर्तमान आ गए। हालांकि अब अभिनंदन सही सलामत भारत वापस आ चुके हैं। आज हम आपको उसी जाबाज फाइटर पायलट की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो दुश्मनों के बीच रहकर भी भारत माता की जय के नारे लगाता रहा और अपने पास रहे भारत से जुड़े खुफिया जानकारी को छुपाने में कामयाब भी रहा। दरअसल अभिनंदन अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। उनके पिता एयर मार्शल सिम्हा कुट्टी तत्कालीन फाइटर पायलट के रूप में 1973 में वायुसेना में शामिल हुए थे। वो वायुसेना के एयरक्राफ्ट सिस्टम टेस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट के चीफ टेस्ट पायलट भी थे। अपने पिता के इन गौरवशाली पदचिन्हों पर चलते हुए अभिनंदन 2000 में स्कूली शिक्षा पूरी करने के तुरंत बाद नेशनल डिफेंस अकेडमी में गए। 2004 में फाइटर पायलट के रूप में वो वायुसेना में शामिल हुए। MiG-21 उड़ाना शुरू करने से पहले वो Sukhoi-30 MKI के पायलट थे। बुधवार सुबह वो MiG-21 उड़ाते हुए उन पायलटों में शामिल थे जिन्होंने भारतीय एयर स्पेस में आए पाकिस्तानी विमानों को दौड़ाया। मई 2011 में वायुसेना के Sukhoi-30 MKI पर एक टीवी डॉक्यूमेंट्री में शो के आयोजक ने अभिनंदन से पूछा था कि Sukhoi-30 का पायलट बनने के लिए क्या ज़रूरी है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था, बैड एटीट्यूड। तब वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे, उन्होंने कहा था, हमें जो ट्रेनिंग मिली है वही काम आती है। पाकिस्तानी कब्जे में अभिनंदन के जो वीडियो सोशल मीडिया पर आए उनमें वो निर्भीक दिख रहे हैं। पूछताछ के दौरान उन्होंने अपना नाम, अपनी रैंक और धर्म की ही जानकारी दी और अपनी विमान और मिशन की जानकारी देने से मना कर दिया। पाकिस्तान भी भारतीय पायलट की हिम्मत देखकर सन्न रह गया। आपको बता दें, इमरान खान ने 28 फरवरी को पाकिस्तानी संसद को संबोधित करते हुए अभिनंदन को भारत वापस लौटाने की घोषणा की थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही और खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए मिनट इंडिया।